Dear students, today we will discuss a topic from Unit 2, Self-Management Skills, and the topic is Emotional Intelligence. Today's topic is Emotional Intelligence, Emotional Awareness, Harnessing Emotions, and Managing Emotions. And last, we will discuss about steps to manage emotional intelligence. What is emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to identify and manage one's own emotions. आप कितनी आसानी से, कितने अच्छे तरीके से अपनी emotions को identify करते हैं और उनको manage करते हैं. जितना आप emotionally intelligent होंगे, उतना आप ज़्यादा अपनी life में successful रहेंगे. Emotional intelligence में आता है Perceiving emotions, managing emotions, understanding your emotions and then using these emotions. जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, ये चार चीजें जो है, these are very important for emotional intelligence. Now skills of emotional intelligence. Generally इसमें तीन skills आते हैं. Emotional awareness, अपनी emotions को identify करना और उनको नाम देना. Harnessing emotions, अपनी emotions को आप कैसे harness करते हैं, कैसे अपने emotions को आप apply करते हैं अपनी thinking पे, अपनी problem solving पे. And managing emotions, अपने emotions को आप कैसे regulate करते हैं जब जरूरी है, या दूसरों को regulate करने देते हैं जब जरूरत पड़ेगी, या दूसरों के इमोशंस को आप कैसे रेगुलेट करते हैं व्हेन नीडेड. नाउ साइंस ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस. हम कैसे कहेंगे कि कोई बंदा जो है ये लो इमोशनल इंटेलिजेंट है? एक तो है बीइंग आर्ग्यूमेंटेटिव. अगर हम उसके साथ बात करेंगे तो वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करता है, ठीक, हर बात पे आर्ग्यूमेंट, हर छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे जरूरत नहीं है आर्ग्यूमेंट करने की वहां पे भी आर्ग्यूमेंट करेगा. दैट मीन्स उसको कंट्रोल नहीं है अपनी इमोशंस पे, नॉट लिसनिंग, वो आपकी बात नहीं सुनेगा. ब्लेमिंग अदर्स, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता रहता है, गलती अपनी हो बट ब्लेम वो दूसरे को करेगा. इमोशनल आउटबर्स्ट, अक्सर उसमें इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं. ही विल स्टार्ट क्राइंग, ही विल स्टार्ट यू नो शाउटिंग एट यू, ही और शी जो भी है, तो उसको मैनेज करना नहीं आता है अपने इमोशंस को, यानी कि वो आउटबर्स्ट करता है. ज़्यादा खुशी होगी तो भी आउटबर्स्ट हो जाएगा, लाइक पागलपन करते हैं, वो बोलते हैं ना, वो खुशी से पागल हो गया. परेशानी होगी तो रोना स्टार्ट होगा, चिल्लाना स्टार्ट होगा. सो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि लो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट एबल और नॉट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग देयर इमोशंस. स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें आते हैं, एक तो स्टेप है अंडरस्टैंड योर इमोशंस, अपने इमोशंस को समझो, अपने इमोशंस पे अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, नोट करो अपनी यू नो इमोशंस को जब आप काम कर रहे होंगे, ताकि आप इनको इम्प्रूव कर सके जहाँ पे देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट. रैशनलाइज, अपने इमोशंस को रैशनलाइज करो. कहते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी जल्दी से कोई काम मत करो, जल्दी जल्दी कोई डिसीजन मत लो, रैशनल थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो. प्रैक्टिस, मेडिटेशन एंड योगा आपको हेल्प कर सकते हैं टू मैनेज योर इमोशनल इंटेलिजेंस. So this was about intelligence. Thank you. Stay home, stay safe.